मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में रूल्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं? फाइव टाइप के रूल्स हैं, फाइव बेसिस पे हैं। एसेट्स अकाउंट के बेसिस पे है, लायबिलिटी अकाउंट के बेसिस पे है, कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे है, रेवेन्यू अकाउंट के बेसिस पे और एक्सपेंसेस अकाउंट के बेसिस पे है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है। तो एसेट्स में हम फर्नीचर अकाउंट लिख सकते हैं, मशीनरी अकाउंट लिख सकते हैं, कंप्यूटर अकाउंट लिख सकते हैं। जो भी हमारे एसेट्स होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, डेट्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पे करना ही करना है, वो सारी हमारी लायबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, डेट्स होते हैं इसमें। कैपिटल वो होता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल में हम उन एसेट्स को इंक्लूड करते हैं, उस कैश को इंक्लूड करते हैं जो एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। मतलब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जितना भी पैसा या जितनी भी एसेट्स इन्वेस्ट करेगा वो सारा का सारा कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे भी हम डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे। इसके बाद है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी हमारे बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स और कैश। इसके बाद है एक्सपेंसेस। किसी भी सर्विसेज के लिए हम जो भी कॉस्ट लगाते हैं तो उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन बिल एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस हो गया, तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। इन पांचों अकाउंट के बेसिस पे हम जानेंगे कि डेबिट और क्रेडिट किसे करना है। तो आपको अगर मैं सिंपल फॉर्म में बताऊं तो सबसे पहले आप ना एसेट्स को और एक्सपेंस को अलग लिख लो, क्योंकि इन दोनों के रूल एक जैसे ही हैं। इसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे रूल्स अप्लाई करते हैं। जब हम एसेट्स को इंक्रीज करेंगे, मतलब हमारे बिजनेस में जब एसेट्स इंक्रीज होंगी तो उसे हम डेबिट करेंगे, और जब भी हम कोई भी एसेट्स हमारे बिजनेस से डिक्रीज होंगी या हम सेल आउट कर देंगे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो उसे हम डेबिट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने टेलीफोन बिल पे किया, तो टेलीफोन बिल का खर्चा एक्सपेंस बढ़ गया, तो टेलीफोन बिल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जब भी हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लायबिलिटी अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट पे और रेवेन्यू अकाउंट पे। तो ये तीनों अकाउंट के रूल एक जैसे होते हैं। लायबिलिटी में भी क्या होगा, जो हमने एसेट्स में करा था ना, इसका उल्टा लायबिलिटी में करेंगे। लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। कैपिटल भी जब इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। रेवेन्यू भी जब इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो इसी के बेस पे अब हम समझेंगे कि जर्नल एंट्री हमें किस तरीके से करनी है। मैंने आपको बताया मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग किस किस बेसिस पे बताया था, एसेट्स के बेसिस पे, कैपिटल के बेसिस पे, एक्सपेंसेस के बेसिस पे, रेवेन्यू के बेसिस पे और लायबिलिटी के बेसिस पे। और यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो उसे डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी जब इंक्रीज होंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होंगे तो उसे डेबिट करेंगे। तो इसी के बेसिस पे अब हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स से कि अब हम जर्नल एंट्री किस तरीके से फॉर्म करेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है, तो आप पिछली वीडियो देख के समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से, 1,50,000 रुपीज से। तो इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि किस तरीके से देखते हैं हम पूरी नरेशन में, पूरे इसमें ट्रांजेक्शन में देखते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट बन सकते हैं। तो इसमें एक तो मुझे कैश दिख रहा है, कैश का अकाउंट बन सकता है, और एक मुझे रोहन का नाम दिख रहा है, रोहन का अकाउंट बन सकता है। लेकिन रोहन का नाम हम नहीं लिखते, रोहन क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे कैपिटल लिखेंगे हम। तो अब हमारे पास दो अकाउंट आ गए, एक कैश का अकाउंट आ गया और एक कैपिटल का अकाउंट आ गया। तो कैश अकाउंट किस में आएगा, एसेट्स है हमारी, तो इसके आगे हम लिखेंगे ये हमारी एसेट्स है। और कैपिटल क्या है, कैपिटल तो कैपिटल ही है। अब हम देखेंगे इस ट्रांजेक्शन के जरिए कि कैश क्या हो रहा है और कैपिटल क्या हो रहा है, मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के लिए हम प्लस का साइन देंगे और डिक्रीज के लिए माइनस का।
और कैपिटल भी क्या आ रहा है, कैपिटल भी हमारे बिजनेस में आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कैपिटल भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स क्या होती है, जब इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ देखो एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो इससे हम क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, और कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल में आ जाओ आप, कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे कैश अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस लिख के डेबिट, डेबिट के लिए डीआर लिखते हैं और क्रेडिट के लिए टू लगाते हैं, पहले टू कैपिटल। डेबिट वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा 1,50,000 और क्रेडिट वाला भी यहीं आ जाएगा 1,00,000, थोड़ा स्पेस कम है, इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹50,000। जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट में फॉर्म करना है तो आपको ट्रांजेक्शन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन में हम कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। तो कैश क्या है मेरा, एसेट्स है, और बैंक भी क्या है, एसेट्स है। कैश क्या हो रहा है, कैश अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा, माइनस, और बैंक क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब बैंक में पैसे ऐड हो जाएंगे ना तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। बैंक क्या है, एसेट्स है, एसेट्स में कब क्या होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, मतलब ये डेबिट वाला अमाउंट है और ये क्रेडिट वाला अमाउंट है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, मैंने आपको बताया था डेबिट वाले को पहले लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट के आगे टू लगाते थे, टू कैश अकाउंट, कितने से, 50,000। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। अब क्या किया, हमने विड्रॉ किया है कैश कहाँ से, बैंक से, बैंक से हमने पैसे निकाल लिए हैं किस काम के लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम कैश का अकाउंट बनाएंगे और एक बैंक का अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, कैश क्या हुआ, विड्रॉ हो गया है तो मतलब कैश हमारे बिजनेस में आ गया है, बैंक से विड्रॉ हुआ है ना कैश, तो कैश हमारे बिजनेस में आ गया है और बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ये दोनों ही क्या है, हमारी एसेट्स है। तो एंट्री आप लोगों को पता चल गई होगी, एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स वाले अप्रोच में चले जाओ। डेबिट किसे करते हैं, जो इंक्रीज होता है, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹10,000। नेक्स्ट एंट्री है received a check from debtor श्याम ₹50,000। अब मुझे क्या रिसीव हुआ है, एक चेक रिसीव हुआ है अपने डेटर श्याम से। डेटर कौन होते हैं, जिनको भी मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा होगा वो मेरे डेटर होते हैं। अब मुझे चेक रिसीव हुआ है तो बैंक में क्या हो जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन इसके नीचे वाली एंट्री लिखी है डिपॉजिट श्याम चेक नेक्स्ट डे। अब इस दिन क्या हुआ है, मुझे सिर्फ चेक रिसीव हुआ है और अगले दिन मैंने डिपॉजिट किया। अगर ये एंट्री नहीं होती तो हम सीधा इसके बदले, चेक के बदले बैंक का अकाउंट नाम लिख देते। चेक की जगह हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट। तो एक अकाउंट बनेगा चेक का और एक अकाउंट बनेगा किसका, श्याम का। अब हम देखेंगे कि चेक हमारे लिए क्या है, चेक भी हमारे लिए बैंक की तरह काम करता है, तो चेक भी हमारे लिए एसेट्स है और श्याम मेरे लिए क्या है, डेटर है। डेटर क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, तो अब देख लो चेक क्या हो रहा है, चेक मेरे पास आ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, और श्याम क्या हो रहा है, डेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पैसा दे देगा तो डेटर हमारे कम हो जाएंगे ना। तो अब एंट्री लिख दो आप लोग, एसेट्स में जब कुछ इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ हम चेक की जगह चेक इन हैंड इस तरीके से लिखेंगे,
अकाउंट डेबिट टू श्याम 50,000 से, ठीक है। अब हमने क्या करा, डिपॉजिट करा है श्याम का चेक नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे ये चेक हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो ये चेक क्या हो जाएगा, हमारे पास से चला जाएगा और बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। तो उसकी एंट्री ऐसे करेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, चेक मेरे पास से, ये वाला चेक मेरे पास जो रिसीव हुआ था वो मेरे पास से चला गया, तो चेक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस एंट्री में चेक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, टू चेक इन हैंड। तो अमाउंट क्या जाएगा, सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि यही वाला चेक तो हमने डिपॉजिट करा है। तो अमाउंट क्या जाएगा, 50,000 इसमें और चेक इन हैंड में 50,000। अब मैं आपको जर्नल एंट्री कुछ केसेस के हिसाब से बताऊंगी स्टार्टिंग से, कि जैसे कैपिटल में क्या क्या चीजें आती है, किस किस हिसाब से कि डेबिट और क्रेडिट होगा, या हम परचेज करें तो परचेज में कौन कौन सी एंट्रीज बन सकती है, सेल्स करें तो सेल्स में कौन कौन सी एंट्रीज बन सकती है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करते जब भी हम अपने बिजनेस में, तीन कैटेगरीज बनाई है मैंने। कैश लेकर आ सकते हैं बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते टाइम, बैंक बैलेंस लेके आ सकते हैं, या कोई एसेट्स लेके आ सकते हैं। तो जब हम कैश लेके आएंगे बिजनेस में, तो कैश क्या हो रहा है बिजनेस में, आ रहा है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और यहाँ अमाउंट लिखो गया। जब हम बैंक बैलेंस लेके आएंगे अपने बिजनेस में, तो एंट्री क्या होगी, अब हम बैंक बैलेंस लेके आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू कैपिटल हो जाएगा, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। जब हम एसेट्स लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में, तब एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट कर देते हैं, और टू कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा। इन केस जब हम तीनों चीज एक साथ लेके आ रहे हैं, कैश भी लेकर आ रहे हैं, बैंक बैलेंस भी लेकर आ रहे हैं, और एसेट्स भी लेकर आ रहे हैं, मान लेते हैं फर्नीचर लेके आ रहे हैं, मशीन लेकर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, उस कंडीशन में हमारी कंपाउंड एंट्री बनेगी, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट। मैंने यहाँ एसेट्स लिखा है, आप एसेट्स की जगह फर्नीचर मशीनरी ये सब लिख सकते हो, एसेट्स जो भी हमने इंट्रोड्यूस करी है, टू कैपिटल। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका, और इन तीनों का टोटल अमाउंट कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट केस हम करेंगे परचेज। परचेज का मतलब तो सामान खरीदना, तो दो तरीके से हम सामान खरीद सकते हैं, कैश बेसिस पे और क्रेडिट बेसिस पे। और सामान जब हम खरीदेंगे तो इसमें भी दो कंडीशन बन सकती है, पहली बन सकती है कंडीशन गुड्स की, और दूसरी बन सकती है एसेट्स की। गुड्स की कंडीशन में अलग जर्नल एंट्री पास होगी, और एसेट्स की कंडीशन में अलग जर्नल एंट्री पास होगी। इसी तरीके से जब हम क्रेडिट पे भी सामान खरीदेंगे तो गुड्स भी खरीद सकते हैं और एसेट्स भी खरीद सकते हैं। तो जब हम कैश बेसिस पे सामान खरीदेंगे और वो अगर गुड्स हैं, तो उस कंडीशन में किसका अकाउंट बनेगा, परचेज का अकाउंट बनेगा। अगर हमने गुड्स को सेल किया तो सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज करने से सामान मेरे पास आ रहा है, जो भी चीज आती है उसे डेबिट करते हैं, टू इसके बदले हम क्या पे कर रहे हैं, कैश, तो टू कैश, कैश डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, ये जनरल एंट्री पास होगी इसके लिए। नेक्स्ट है, अगर हमने एसेट्स परचेज कर लिए, तो जब हम एसेट्स परचेज करेंगे तो उस कंडीशन में हमें एसेट्स का नाम दिया होगा, जैसे मैंने मशीनरी परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, बिल्डिंग परचेज किया है, तो उस एसेट्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसके बदले मैंने कैश पे किया होगा, तो कैश अकाउंट
ये जनरल एंट्री पास होगी जब आपने गुड्स खरीदा या एसेट्स खरीदी है कैश की फॉर्म में, मतलब कैश पे करके। अगर मैंने कोई सामान खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे, तो उस कंडीशन में जनरेट होते हैं मेरे क्रेडिटर। मतलब जब भी मैंने सामान खरीदा होगा क्रेडिट बेसिस पे, तो किसी पर्सन का नाम आ जाएगा, किसी पर्सन से खरीदा होगा या किसी फॉर्म से खरीदा होगा, है ना। जब भी मैं उधार पे सामान खरीदूंगी तो किसी पर्सन से खरीदूंगी या किसी फॉर्म से खरीदूंगी, उसी का नाम लिखा होगा ट्रांजेक्शन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। मैंने गुड्स परचेज किए हैं और कैसे परचेज किए हैं, क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, गुड्स तो मेरे पास आ रहे हैं, गुड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो चीज आती है उसे डेबिट करते हैं। टू, अब क्रेडिट क्या होगा, इसके बदले मुझे पैसे देने थे लेकिन पैसे मैंने दिए नहीं, अपना क्रेडिटर बना लिया है, क्रेडिटर को मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, ठीक है। इस क्रेडिटर के बदले आप किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हो या किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हो, जो भी आपको गिवन होगी ट्रांजेक्शन में। इसके बाद है एसेट्स। अगर मैंने कोई एसेट्स खरीदी है, सेम कंडीशन है, बस परचेज की जगह क्या आ जाएगा, एसेट्स आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एसेट्स मेरे पास आ रही है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा इस तरीके से, और क्रेडिटर की जगह आपके पास कोई पर्सन, ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया है, किसी कंपनी का नाम दिया है, तो उस पर्सन या कंपनी का नाम क्रेडिटर में आप लिख सकते हो। इसी कंडीशन में क्या हो सकता है, परचेज जब मैंने सामान किया है तो मैं सामान को वापस भी कर सकती हूँ। तो मान लेते हैं गुड्स जब आप रिटर्न करोगे तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी, जब आपने गुड्स खरीदा था तो एंट्री क्या बनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अब आपने रिटर्न कर दिया उसी गुड्स को, तो इस कंडीशन में गुड्स की कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज को जब हम क्रेडिट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न, या फिर ब्रैकेट में आप इस तरीके से लिख सकते हो रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद हम बनाएंगे एसेट्स का। एसेट्स में क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट कर रहे थे जब हमने एसेट्स को खरीदा था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी एसेट्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स हमारे पास से चली गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी सारी परचेज और परचेज रिटर्न से रिलेटेड। नेक्स्ट कंडीशन है सेल्स की कंडीशन। सेल्स की कंडीशन में भी हम दो तरीके से सामान बेच सकते हैं, कैश बेसिस पे बेच सकते हैं और क्रेडिट बेसिस पे बेच सकते हैं। जब हम कैश बेसिस पे बेचते हैं तो उसमें हम गुड्स भी बेच सकते हैं, गुड्स भी सेल आउट कर सकते हैं और एसेट्स भी सेल आउट कर सकते हैं। और जब हम क्रेडिट बेसिस पे सेल आउट करते हैं तो जो पर्सन, जिस पर्सन को भी हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, वो पर्सन हमारे लिए क्या होता है, डेटर होता है। जिस गुड्स सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे पास कैश आएगा सेल करके, तो हम कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है एसेट्स। अगर हम सेल करते हैं, कैश इस कंडीशन में भी हमारे पास आएगा और एसेट्स हमारे पास से चली जाएंगी। नेक्स्ट कंडीशन है क्रेडिट। जब हम क्रेडिट पे सेल आउट करते हैं, जब हम क्रेडिट पे सेल आउट करेंगे गुड्स को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गुड्स मेरे पास से जा रही है इसलिए मैंने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और उसके बदले क्या बन जाएंगे, हमारे डेटर्स बन जाएंगे। एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है एसेट्स। जब हम सेल आउट करेंगे, एसेट्स सेल आउट करेंगे तो एसेट्स मेरे पास से चली जाएंगी इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है, और डेटर्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे इसलिए हमने इसे डेबिट किया। नेक्स्ट केस हम करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहले हम समझ लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। इट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जब कोई भी सेलर लार्ज क्वांटिटी में सामान सेल करता है तो वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है परचेजर को, उससे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इन शॉर्ट, जब एक बिजनेसमैन अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए या अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जब कोई डिस्काउंट देता है तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है समझ लेते हैं। इट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स
टू इनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्लियर पेमेंट, मतलब अपने पेमेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए जब हम कोई डिस्काउंट देते हैं तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहेंगे, और जब हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कोई डिस्काउंट देते हैं, एक बिजनेसमैन अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कोई डिस्काउंट देता है तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ये मैंने कंडीशन लिखी है कि जब हम ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो कैसी कंडीशन, क्या एंट्री होगी, और जब हम कैश डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो कैसे एंट्री को पास करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट में मैंने एक एग्जांपल लिखा है, प्रिया सेल गुड्स ऑफ ₹10,000 अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। प्रिया ने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है, कितने रुपए का, 10,000 रुपीज के गुड्स सेल किए हैं, और कितना डिस्काउंट दिया है उसने, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स में इंक्लूड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके फिर एंट्री पास करते हैं। लिस्ट प्राइस क्या है हमारा, 10,000, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 10%, 10% हो गया 1,000, माइनस कर दो 9,000, ये हमारा क्या हो गया सेल्स प्राइस। अब इस प्राइस पे हम एंट्री पास करेंगे, और इस प्राइस पे हम एंट्री जब पास करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे, सेल्स की एंट्री क्या होगी, अगर कैश रिसीव्ड हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 9,000 से। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको समझ में आया, ट्रेड डिस्काउंट की जब हम एंट्री करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके फिर एंट्री पास करेंगे उस अमाउंट से जो अमाउंट हमारा रिमेनिंग रह गया होगा। अब हम चलते हैं कैश डिस्काउंट की तरफ। एक बात और बतानी थी इसमें आपको कि अगर हमारी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया है, एंड अगर यहाँ पे लिख दिया उसने एंड कैश डिस्काउंट 10%, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम माइनस करेंगे यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और फिर माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। तो 900 और यहाँ माइनस करके आ जाएगा इस अमाउंट से, ये अमाउंट आपका एंट्री पास होगी इस अमाउंट से। कैश डिस्काउंट में दो कंडीशन है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट हम अलाउड कब करते हैं, जब हम अपने डेटर से कैश रिसीव करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं, या फिर जब हमने क्रेडिट सेल किया होता है उस कंडीशन में डिस्काउंट अलाउड का केस बनता है, और जब हम अपने डेटर से रिसीव करते हैं कैश तो उस कंडीशन में हम डिस्काउंट अलाउड करके उसे दिखाते हैं। तो एंट्री हम इस तरीके से दिखाएंगे, जैसे मान लेते हमने डेटर से कैश रिसीव कर लिया तो कैश अकाउंट डेबिट, या फिर चेक रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा मेरे लिए, डिस्काउंट अलाउड मैं पे कर रही हूँ, डिस्काउंट अलाउड क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डेबिट। टू में हम डेटर का नाम लिखेंगे, डेटर क्या होता है, एसेट्स होती है, और एसेट्स कम हो रही है, तो यहां पर एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। डिस्काउंट रिसीव की कंडीशन में क्या एंट्री पास होगी, डिस्काउंट रिसीव होता क्या है, जब भी हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, मतलब हमने सामान खरीदा लेकिन क्रेडिट पे सामान खरीदा है, या फिर हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो हमें डिस्काउंट दे सकता है, तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव में मान ली इनकम है, और इनकम सारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कैश मेरे पास से जा रहा है, डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और क्या होगा, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, जब भी लायबिलिटी कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं, तो क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक लिख सकते हो आप, अगर चेक आप पे कर रहे हो तो चेक से, टू डिस्काउंट
रिसीव। क्रेडिटर्स क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी हमारी कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हमने क्रेडिटर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। कैश हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हमने कैश को भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, हमारे इनकम है, इनकम सारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए हमने इनकम को डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की कंडीशन में हमारी ये जर्नल एंट्री पास होगी। मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री करने का तरीका बता दिया है, मॉडर्न रूल बताए हैं, गोल्डन रूल और ट्रेडिशनल रूल्स बता दिए हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। तो अब आप लोगों को जर्नल एंट्री करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ कंपाउंड एंट्रीज होती है जिसमें कुछ दिक्कत आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं।